इधर भी काम नहीं मिला, इंटरव्यू नहीं हुआ, फेल हो गया। अम्मी ने बोले पैसा लाना, भाड़ा देना है, ये देना है, वो देना है, कुछ हुआ ही नहीं। बहुत तकलीफ में हूँ मैं। ए खुदा, कुछ ऐसा कर के काम अंदर दिला, बहुत परेशानी में हूँ मैं। भाड़ा महीना नजदीक आ गया एकदम, भाड़े का पैसा देने का है। अम्मी का फोन आ जाएगा, फिर वो एक अलग टेंशन। काम मिला, यही पूछेंगे काम मिला कि नहीं मिला मेरे रास्ते को, क्या करूँ। तो इधर बैठ जाओ तो पत्थर पे। वाले कुछ ऐसा कर, मेरे पास पैसा है, जब मैं अपनी माँ बाप को कुछ करूँ। हाँ हेलो, हाँ भाई, हाँ दो तीन रिक्शा है, मैं शिप पे देता हूँ। हाँ 400 रुपये रहता है मेरे पास। अच्छा हाँ, एक दो मिनट, एक 10 मिनट में मैं तुमको फोन कर रहा हूँ, एक अर्जेंट काम आ गया, एक 10 मिनट दो खाली। हाँ अरे तो मेरा बेटेल है, जाता हूँ उसके पास, जाता हूँ। मीराज क्या हुआ, क्या हुआ, क्या तू इतना एकदम एकदम उदास बैठेल है यार, मैं तेरे कभी उदास देखा नहीं यार। भाई काम धंधा नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा है, बहुत टेंशन है मेरे सर पे, मैं नस फट रही है। मेरी अम्मी ने बोले सहले वो देने का, घर का भाड़ा सब देने का, कुछ काम धंधा नहीं चल रहा ना भाई। इंटरव्यू दे के आया, फेल हो गया, काम का भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है, इतना टेंशन में हुआ, क्या करूँ, मेरे को कुछ सूझ रहा नहीं है, मैं अंदर ही अंदर घूट रहा हूँ भाई, एकदम टेंशन है मेरे सर में, मजबूरी इतनी तकलीफ आ गई है भाई, क्या करूँ। मिराज रो मत, बेफिक्र है, मैं हूँ ना, अभी रुक जा, मैं अपने दोस्त को एक फोन मारता हूँ, उसके पास जॉब की बहुत मतलब वैकेंसी जो है ना खाली रहती है, उससे मैं तेरे को मिलाता हूँ। देखो भाई हो गया तो सही है, रुक जा एक मिनट, रुक जा, मैं फोन मार के उससे पूछता किधर बैठा है वो पहले। देख लो भाई। हाँ सलाम वालेकुम सजीद भाई। अरे यार अपना एक दोस्त ना एकदम मतलब बहुत परेशान है भाई, 6 जगह वो इंटरव्यू दे के आया, फेल हो गया, कुछ जॉब वॉब हुई तो भाई अपने एकदम खास बंदा है भाई वो। अच्छा लेके आऊँ, कहाँ पर बैठे आप? हाँ हाँ मैं लेके आता हूँ, लेके आता, आप बेफिक्र रहिए। हाँ चल देख, अभी अपन उससे बात करें, अभी वो क्या बोलते देखते अपन। किधर मिलेगी भाई वो? तो अपना 10-15 मिनट का रास्ता है, अपन टहल टहल निकल जाएंगे, एक नंबर में, तू बेफिक्र, तू टेंशन मत ले। जरा भी टेंशन मत ले, वो अपना है ना एक साजिद भाई जिसको अपन ने फोन करे, तू जरा भी टेंशन मत ले, वो करवा देगा, कहीं ना कहीं तो लगा ही देगा भाई। हो गया तो बस भाई, मेरे को वही चाहिए, क्योंकि मेरे पास काम नहीं है, भाड़े देने का टाइम आया। मैं जरा भी मत टेंशन ले, वो अपना बंदा अच्छा खास है रहता है वो, समझा। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे यार बात तो सुनो, 2 मिनट मेरा काम है। हाँ बोलते रहे बेटा, सुन रहा हूँ। अरे तुमको मैं बोला था ना मेरे दोस्त का एक जॉब के लिए। हाँ अरे भाई देखो ना, ये आयले देख लो ना भाई, बहुत परेशान है भाई, देख रहा नहीं काम में लगा तो बेटा। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई, कुछ जॉब चाहिए था भाई, बहुत तकलीफ में हूँ। बैठ जरा बैठ, 5 मिनट जरा मुझे काम है, रुक जा 5 मिनट बैठा। बैठ बिठाओ जरा। हाँ हाँ बैठ बैठ बैठ। गाड़ी में कहाँ बिठा रहे हो उसको, बाहर खड़े रहो, तुम अंदर बैठो यार। अच्छा रोने वोने बंद करो, ये मेरे को पसंद नहीं है सब। असलामुअलैकुम। हाँ वालेकुम सलाम। अरे क्या जी आप इतना फोन कर रहे हैं, परेशान। अरे हो जाएगा जी। अरे क्या है बाबा, दिख रहा नहीं फोन पे बात कर रहा हूँ। अरे भाई परेशान है अभी। अरे तो परेशान है तो मैं क्या करूँ, क्या मेरा घर का जमा ही लगता है क्या? रुक जाओ जरा 5 मिनट बात कर रहे हो, काम हो जाएगा। अरे रुक जाओ तुम भाई, तुमको फोन करता हूँ मैं। क्या है बाबा तुम्हारा, बोलो क्या है, कौन है ये? मैं तो एकदम खास है, मतलब जॉब वॉब के लिए आया भाई, कुछ देखो ना भाई कहीं। अरे क्या जॉब, मेरा संस्था संस्था खोल के बैठा है क्या? क्या फ्री में काम करता हूँ क्या मैं सबके लिए? कौन है मैं जानता भी नहीं, कल कुछ करके चले गया तो। अरे मैं बैठा हूँ ना भाई मैं। अरे मैं नहीं जानता भाई, कुछ नौकरी वोकरी नहीं, किसे कहने पे आया तू? मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लोग जा भाई, तू जा तेरा काम कर, रोने हो ना भाई, वो पसंद नहीं है, मत करो भाई, चल जा भाई जा, बता दोबारा आना नहीं यहाँ पर भाई, मैं बहुत तकलीफ हूँ। मैं क्या करूँ, क्या मैं तेरा ठेका लेके रखेगा दुनिया का? जा भाई, चल तू भी निकल, जा जा जा, नहीं आना, आना नहीं दोबारा लेके, ये सब काम मेरे से नहीं हो सकता है।
नहीं है कोई नौकरी वोकरी, जा ढूंढ ले, हाथ पाव है, सलामत है साला, तुम लोग काम धंधा नहीं हो पाता। भाई छह जगह इंटरव्यू दे के आए भाई ये, तो छह जगह का मैंने ठेका लेके रखा है क्या? जा भाई जा, करवा दो ना कहीं, नहीं हो पाएगा। तू भी जा, जा तू भी जा, इसको लेके जा, मेरा दिमाग बहुत गर्म है अभी, जा जा जा, बहुत नुकसान हो गया, धंधे पानी है मेरा, जा जल्दी जा, चल मेरा आना नहीं दोबारा यहाँ पर, चले निकल जा जल्दी, चल शकल नहीं दिखाना तुम्हें, तुम अपनी दोबारा समझे ना मेरे को, हाँ बोलो यार, करता हूँ मैं पांच मिनट, रो मत तू इधर, एक काम कर, ये पानी पी, तेरे भी टेंशन में थे, पानी में है, अपन अपनी दिल से दोस्ती करते, वो जो आज जो बैठे ना, तो वो अपनी बदौलत बैठे, कितना घमंडी की तरह बात कर रहा था वो, छोड़ ना यार, वो आज जो बैठा है ना, वो मेरे रिक्शे से फाइनेंसर है वो, समझा, तू एक काम कर, इतना वो कुछ नहीं, वो छोड़ काम धंधा नहीं, कुछ नहीं पानम भाई, वो इतना सेट हो गया, गिरी भी ना, चिल्ला के बात कर रहा है पानम भाई, तू रो मत, तू पहले पानी पी, तू पानी पी, एक घुट पी, देख अभी वो तब छोड़ दे, जब तक तेरे को नौकरी नहीं मिलती, तू एक काम कर, वही रिक्शा तू चला, दुनिया मेरे को 300 रुपए देती है, तू अपने को 200 रुपए दे, समझा, 200 रुपए तू देगा, देख मेरा भी परिवार है, तू भी परिवार वाला है, अभी अब मम्मी को तो ये नहीं मालूम ना कि मेरा इंटरव्यू गया, पास हुआ कि नहीं हुआ, है ना, तो तू ये चाबी ले, ये चाबी ले और आज से ही घर पे जा, बैग रख, रिक्शा चला, कुछ टेंशन मत लेना, बेफिक्र है मेरा भाई है तो, अरे भाई तुमने साथ दिया मेरा, अपनी दोस्ती, तू ऐसा कर रहा है, मैं बड़ा भाई, तू छोटा भाई, छोटे भाई कोई नाराज देखेगा ऐसा, तो बात तू बेफिक्र है, यार एक काम कर, तू अभी रिक्शा चला, मैं अभी जरा जाके आता हूँ घर पे, आ जा, टेंशन नहीं, कुछ भी होगा तो मेरे को फोन मार, ओके पानम भाई ने गाड़ी की चाबी दी, बोले रिक्शा चला, ऐसा दोस्त किसी को मिले अच्छे से मिले, ऐसे दोस्त की कदर कर लेगा, तू फिर आ गया रे, फिर आया, निकल ऐसे भाई, पानम भाई ने दिए भाई, ए नहीं जानता मैं उसको, बैठा हूँ ना यहाँ पे, मेरे दोस्त चल, तुम चला ले, चले निकल भाई, भाई ऐसा निकल करो भाई, चल निकल ऐसे, निकल आना नहीं, अब चल दोबारा यहाँ पे आएगा ना, निकल आना नहीं, नहीं दोबारा यहाँ पर भाग जाए ऐसे, आलम भाई वो दोस्त हमारा तुम्हारे पार्क में, वो पार्क में भगाया, बैग बैग भेज दिया मेरा, आप आलम भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ, बात एक मिनट रुक गया, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जाए खाली, तू क्या हुआ भाई, मार रहा है मेरे को जोरदार, मार रहा, टूट टूट टूट, पकड़ भगा दिया इससे, तू पहले पकड़ ये पेन, क्या दे पे काई के लिए मारे इसको, अरे क्या है ये अजाब को, तुम बार बार लेके आते यार, उसको बोला मैं निकल यहाँ से, गाड़ी वाड़ी पे नहीं आने का, अपनी जगह है, अपने दोस्ती गाड़ी बैठ रहा, अपनी गाड़ी बैठ रहा, कौन है ये, तो भगाया इसलिए मैंने मार के, कि मैं जब चाबी मैंने इसको दिया तो तुम ऐसा काहे के लिए भरे, जब हाँ चाबी मेरे को थोड़ी मालूम थी, तुमने तो चाबी जमा लगा, कौन है क्या पता, मैं बोलो ना भाई, बात सुनो एकदम 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 सिंपल और एकदम अच्छी बात करो, जब मेरे दोस्त का नहीं हो सका ना, तू मेरा भी नहीं हो सका, एक काम करो तुम नीचे उतर, तुम अपनी कहीं और देख लो भाई, मेरे को इसको गाड़ी दो, मेरे को इसको चाबी दो और इसको चलाने दो, ठीक है भाई, सुनो साहिद भाई, गरीब का ना दिल नहीं दुखानी है, जो गरीब की दुआ रहती ना वो कहाँ चले जाती है तुमको खुद को नहीं मालूम है, आज जो तुम मरे ना वही गरीब की मौत उससे बनी है, समझे ना, जाओ चल तू चला, क्या ओके सर, चाबी लगी है, हाँ जा तू चला, भाड़ा मार, मालिक तेरा हिस्सा रे, तुमको इतना अच्छा दोस्त दिया, जो रिक्शे की चाबी दे दिया, हर तकलीफ मेरे साथ सहर कर रहा है, मेरी हर तकलीफ को वो अपना समझ रहा है, अल्लाह उसको अच्छा रखे, उसका परिवार अच्छा रखे, बस दोस्त के आगे क्या बोलूँ मैं, अभी गाड़ी लगा दो, धंधा मारता हूँ थोड़ा, भाई रॉयल पाम चलोगे,
चलेंगे ना भाई बैठो। ओके थैंक यू। चलो भाई ठीक है आप, लेकिन भाई इतना आप टेंशन में क्यों, आप रो रहे क्यों, आपके आंखों से आंसू आ रहे, रो मत, क्या हो गया? टेंशन में आओ बैठो, मैं साइड में लेता हूँ आपको, मैं कर्जदार नहीं बताता। ओके ठीक है, ओके बताओ। अल्लाह का एहसान है और दोस्त का साथ है, मेरे को ये रिक्शा दिया इसके लिए भाई। भाई मैं आज का सर, आज का मेरा पहला दिन है गाड़ी जो मैं गाड़ी निकाला, आज मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। क्या क्या हुआ बताओ? उसका मैं दोस्त का दोस्त था, मेरे तो बहुत पैसे वाला था, काम के लिए मैं इंटरव्यू के लिए गया था, तो उन्होंने मेरे को दलील किया, मेरे को मारा, मेरे को कंधे पे मारा, गाल पे मारा। मैं दोस्त के रिक्शे में बैठ के मैं इससे दूसरी कर रहा था सर। फिर आपके दोस्त ने कुछ बोला नहीं उसको? नहीं, मेरे दोस्त ने बोला तू निकल वहाँ से, गाड़ी ये चलाए। वो तो मेरा दोस्त का हिस्सा है, मेरे को 300 रुपया शिफ्ट चाहिए तो मेरे से 200 रुपया शिफ्ट लिया। बहुत अच्छी बात है भाई, आज के टाइम पे ऐसे दोस्त नहीं मिलते, पता है आपको। और आप मायूस मत हो, अल्लाह है ना, अल्लाह से तवक्को लगाओ, अल्लाह सारी कामयाबी आपको अता करे और सारी परेशानी आपकी दूर करे। हाँ तो गाइस, आज का वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता, अगर जो परेशान हाल है, जो बीमारी में, आप लोग उसकी आगे बढ़ के हेल्प कीजिए, क्योंकि इन सबसे बड़ा मजहब होता है इंसानियत, और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं है। जो भी परेशान है आप आगे बढ़िए, उसकी हेल्प करिए, समझे आप लोग? ओके गाइस, आज का वीडियो हमारा खत्म हो चुका है, तो प्लीज वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो पर, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, और आपका मोटिवेट हमारे लिए बहुत अहम है, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं आपको अगले वीडियो में कल।